इंदौर के युवा उड़ान फाउंडेशन द्वारा पक्षियों को बचाने के लिए 20 जून 2019 तक 3 महीने पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके तहत उद्यान और घरों में पानी के लिए सकोरे और दाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को यूज कर दाने के पात्र बनाकर बांट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस अभियान के तहत 51,000 सकोरे एवं इतनी ही प्लास्टिक की बोतलों को रियूज कर दाने के लिए पात्र बनाएंगे। बता दें कि युवा उड़ान की इस पहल के साथ सैकड़ों लोग और युवा आगे आ रहे हैं, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर जन जागृति का संदेश के साथ साथ शपथ भी दिलवा रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से पेड़ पौधे लगातार कटते जा रहे हैं। आज इस भौतिकवादी और प्रगतिवादी युग के चलते हमने विकास के नाम पर पर्यावरण और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके रख दिया है, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से पक्षी विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज वन कटते जा रहे हैं और नदियां सूखती जा रही हैं। खोल हमारे भोजन में परोसा जा रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ही पशु पक्षियों के भी जीवन चक्रण पर बुरा असर पड़ा है। आज पक्षियों के चहकने की आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं देती है। पहले आंगन में छोटी सी गौरैया उछल कूद कर अटखेलियां करती थी। नन्हे पक्षी अपने घोंसलों को सजाकर घरौंदा बनाया करते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुमंजिला इमारत बनाकर पक्षियों का आसरा छीन लिया है। युवा उड़ान फाउंडेशन के संस्थापक गोविंद गोदारा, संस्था के संरक्षक कपिल चौधरी, सीईओ संजय जाट, अतुल बांबड़कर, विजय खेरिया, राम पाटीदार, मेहा डामोर, आनंद जाट, रसना निनामा, जितेंद्र वर्मा, कौशल महाजन और अन्य युवाओं की टीम इस अभियान में हिस्सा ले रही है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस के दिन से युवा उड़ान फाउंडेशन ने इंदौर से इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हम चाहते हैं कि 51,000 सकोरे और साथ ही प्लास्टिक की बोतल जो हम उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं, उन बोतलों को युवा उड़ान की टीम इकट्ठी करती है और उन बोतलों को यूज़ करके उसमें दाना डालकर, ताकि एक पात्र में दाना और एक में पानी, हम शहर के हर गार्डनों में, रोड पर जहां पेड़ है वहां पर, और हम हर घर तक पहुँच रहे हैं, ताकि हम हर घर तक उन छतों पर पानी भरकर रख सके लोग। इसी अभियान के तहत साथ ही साथ इंदौर के साथ ही साथ कई अन्य जिलों में युवा उड़ान की टीम काम कर रही है, जो इसी तर्ज पर हर गार्डनों में, हर घर में सकोरे दान युवा उड़ान खुद कर रही है। युवा उड़ान की टीम वहाँ डोनेट करती है और जितनी भी बोतल जो हम रियूज के माध्यम से उसमें दाना डालकर घर घर तक पहुँचा रहे हैं। जिस तरह से आज कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो दिनों दिन हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं समाज, हम सब ने मिलकर पक्षियों का आसरा छीन लिया। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस के दिन से हम संस्था युवा उड़ान के माध्यम से एक अभियान चला रहे हैं। वो अभियान इंदौर से प्रारंभ किया है, जो पक्षी की जाति प्रलुप्त हो रही है, पक्षियों के लिए एक मिट्टी का सकोरा, जो 51,000 सकोरे हम लगा रहे हैं, उसके साथ जो बाटल आ रही है जो रद्दी में फेंक दी जाती है, उसको हम रियूज़ करके, हमारी टीम के माध्यम से उसको रियूज़ कर रहे हैं। उसमें दाना डालकर वो भी हम गार्डनों में लगा रहे हैं, ताकि पक्षियों को दाना और पानी दोनों मिल जाए। और हमारी जो संस्कृति रही है, हमेशा प्रकृति प्रेमी रही है, हमने देखा है कि हमने नदियों को माता मानते हैं, उसके बाद हमारी जो माताएं बहनें हैं वो चींटियों को भी दाना डालती है। इसी को हम लेकर इस अभियान चला रहे हैं और हमारा आग्रह कि समाज भी इस अभियान में आगे आए, ताकि पक्षियों को हम बचा सकें। इंदौर के साथ ही आसपास के जिलों में भी यह अभियान चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।